डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये मेरा फेवरेट टॉपिक हुआ करता था बिकॉज दिस सेक्शन गिव्स यू एन अनफेयर एडवांटेज, खास करके अगर आप एक नॉन इंजीनियर हो तो जैसे मैं नॉन इंजीनियर थी, मैं बीकॉम ऑनर्स बैकग्राउंड से थी, मुझे कॉन्ट्स बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, तो मुझे ये पता था कि अगर मुझे ओवरऑल परसेंटाइल में कम्पीट करना है विद द इंजीनियर्स देन आई नीड वन सेक्शन जो मेरी स्ट्रेंथ बन पाए. अब मैंने DILR को अपनी स्ट्रेंथ बनाना शुरू किया बिकॉज दिस सेक्शन ऑनेस्टली हैज नो डिफाइंड सिलेबस. इसमें बेटर होने के लिए सिर्फ एक ही चीज रिक्वायर्ड है and that is practice. लेकिन वो भी किस चीज की प्रैक्टिस, पूरी गेम उस पे डिपेंड करती है. सो इस वीडियो में मैं आपको DILR को क्रैक करने की स्ट्रेटजी बताऊंगी, बोथ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी एज वेल एज द अटेम्प्ट स्ट्रेटजी. लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लेट मी आस्क यू, क्या आपने अपना एक बैकअप क्रिएट कर रखा है? क्योंकि आप एक कैट एस्पिरेंट हो, देयर आर चांसेस कि अगर आपका कैट क्लियर नहीं हुआ यू मे नॉट हैव अ प्लान कि आप क्या करोगे आगे. तो इसलिए आई वॉन्ट टू शेयर अ रिसोर्स हेयर. इस वीडियो के जो पार्टनर्स हैं रीलेवल, आई एम नॉट ओनली रिकमेंडिंग दैम बिकॉज दे हैव स्पॉन्सर्ड दिस वीडियो. कुछ दिन पहले मेरे एक स्कूल टीचर मुझे रीच आउट किए थे आस्किंग कि उनकी एक बेटी है, उसको एक जॉब चाहिए डेटा एनालिटिक्स की फील्ड में, एंड आई रिकमेंडेड देम ऑल्सो रीलेवल बिकॉज आई ऑनेस्टली ट्रस्ट इट्स अ वंडरफुल रिसोर्स. रीलेवल एक ऐसा फ्री टेस्ट है जो आप बहुत सारी डोमेन्स में दे सकते हो. आपकी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में आप एक सिंपल टेस्ट दो, सिंपली अपने स्किल्स के दम पे एक सिंपल टेस्ट को क्लियर करके आप बहुत सारी कंपनीज की जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो. रीलेवल की टीम ने अभी रिसेंटली रोमी का एक एग्जांपल शेयर किया था ट्विटर पे. रोमी एक ऐसा स्टूडेंट था जो 12th क्लास में साइंस में इंटरेस्टेड था, वो IIT की प्रिपरेशन कर रहा था, बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम ही रियलाइज कि उसको बिजनेस में इंटरेस्ट आ रहा है. तो रीलेवल का टेस्ट देने के बाद ही गॉट इनटू अ बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव रोल एट हेल्थक्लिक्स. तो जाएगा क्या, एक टेस्ट दे के देख लो, आपको पता लग जाएगा कि आपकी करंट स्टैंडिंग क्या है, आप इंटरव्यूज की प्रिपरेशन भी कर सकते हो. और बहुत सारे लोग इसको हाइक लेने के लिए या जॉब स्विच करने के लिए भी यूज कर रहे हैं. टोटल 19 डोमेन्स में ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है. रिसेंटली कंटेंट राइटिंग ऐड हुआ है, इसमें डेटा एनालिटिक्स है, बिजनेस डेवलपमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस, PM टेक, काफी सारी फील्ड है. डू एक्सप्लोर दिस, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है. लिंक पिंट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर कोई डाउट आ रहा हो तो कमेंट में डाल देना. अब हम वापस DILR पे आते हैं, क्योंकि अगर जॉब मिल भी गई और स्टिल MBA करना हुआ तो DILR आपको बहुत हेल्प करेगा कैट को क्रैक करने के लिए. पता है मेरी क्वांट में 95% थी बट मेरी DILR में 99 थी, जिसकी वजह से मेरी ओवरऑल परसेंटाइल बहुत जंप हो गई एंड आई मेड इट टू IIM अहमदाबाद. सो आई वुड रिकमेंड सम स्ट्रेटजी. सबसे पहले हम प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं. DILR की कोई स्टैंडर्ड सोर्स नहीं है प्रिपरेशन के लिए, यानी कि बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट में, जैसे अरुण शर्मा की बुक्स भी मिलती हैं, आप चाहो तो कोई भी बुक्स यूज कर सकते हो. मैंने भी उनकी DILR की बुक्स यूज की हुई हैं, लेकिन लिटरली कोई भी बुक, कोई भी मटेरियल आपको ना बेस लेवल के लिए प्रिपेयर करता है DILR के लिए. जो फाइनल एग्जाम में सेट्स आते हैं ना, अगर आपने पास्ट ईयर पेपर्स देखे हो, उनको क्रैक करने के लिए आपको लिटरली एक ऐसे माइंडसेट की जरूरत है जो विद प्रैक्टिस डेवलप होता है. मैं ये पॉइंट दोबारा बताती हूँ बिकॉज लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन के सेक्शन को क्रैक करने के लिए यू नीड अ लॉजिकल बेंट ऑफ माइंड, एक ऐसा माइंड जो क्यूरियोसिटी इन्वोक करे, जो ऑब्जर्वेंट बनाए, जो आपको लॉजिकली सोचना सिखाए, और ये चीज विद प्रैक्टिस ही आती है. तो कोई भी पर्सन अगर आज के डेट में भी DILR की प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, इट विल टेक 3 months टू डिवेलप दिस. हर पर्सन के बैकग्राउंड के हिसाब से डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा, बट आई पर्सनली फील 3 महीने आपको लगेंगे वो स्किल बनाने के लिए जिससे आप DILR के क्वेश्चंस को समझ पाओ. तो अगर आप में से कोई भी अभी डीमोटिवेट हो रहा है कि मेरे से DILR के क्वेश्चंस नहीं होते हैं, प्लीज डोंट फील दैट वे. मैं आपको एक क्लासिक एग्जाम्पल देती हूँ. जब आप कभी वेट लॉस करना शुरू करते हो ना, वेट लॉस जर्नी पे स्टार्ट करते हो, यू वुड रियलाइज कि शुरू शुरू में आपको फर्क नहीं दिखाई देता है, फिर अचानक से वेट लॉस शुरू होता है. इट डजंट मीन कि जब आपको फर्क नहीं दिखाई दे रहा था तब कुछ हो नहीं रहा था. बैकग्राउंड में सब कुछ चल रहा होता है लेकिन उसका इफेक्ट एकदम से नजर आना शुरू होता है. सो इट इज द सेम थिंग विद DILR. आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपका वो लॉजिकल रीजनिंग एबिलिटी डेवलप हो रही है, बट यू विल ओनली बी एबल टू सी इट जब एक्चुअली में आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, और उसके लिए टाइम लगता है. वंस यू नो दिस देन यू विल बी आस्किंग, तो अच्छा फिर कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए और कहां से प्रैक्टिस करनी चाहिए? बेसिकली मैं पर्सनली क्या करती थी मैं वो बता देती हूं. मुझे DILR के क्वेश्चंस या फिर के कोई भी पजल्स कहीं से भी मिल जाती थी, आई लव्ड सॉल्विंग देम. आई टुक ईच एंड एवरी सेट एज अ चैलेंज कि अच्छा ये मुझे क्या सिखा के जाएगा. एंड ऑनेस्टली इट इज बाय प्रैक्टिसिंग दैट आई स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग सम ट्रिक्स इन DILR जो मैं आगे शेयर करूंगी. तो मेरे सोर्सेस क्या रहते थे, मैंने सबसे पहले अरुण शर्मा की बुक्स यूज की थी. एक LR की बुक आती है, एक DI की बुक आती है, दोनों ठीक है बट मुझे पर्सनली LR वाली फिर भी बेटर लगी, उसमें DI वाली उतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगी. आप चाहो तो इनके रिव्यूज देख सकते हो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक्स ऐड कर दूंगी. मैंने चारों बुक्स के रिव्यूज डाल रखे हैं तो यू कैन चेक की बुक्स के अंदर क्या है.
पर्सनली आई यूज दैट बुक, मेरा उससे बेस लेवल अच्छा बन गया था LR का, एंड देन आई स्टार्टेड यूजिंग फ्री मॉक्स ऑनलाइन. सो मेरा एक बहुत बड़ा रिसोर्स रहा है फ्री मॉक्स, बिकॉज जो कैट का पेपर है, जो एक्चुअल पेपर आता है, उसमें जो कॉम्प्लेक्स सेट्स हैं वो कहीं पे भी कंपेयर नहीं होते एक्सेप्ट मॉक्स. तो अगर आप मॉक्स देते हो, अगर आपके पास खुद के पास मॉक्स हैं, तो वेल एंड गुड, उनको यूज करो. मुझे हमेशा DILR में ना ज्यादा क्वेश्चंस करने का हमेशा अच्छा लगता, लाइक मुझे हर दिन DILR क्वेश्चंस करने का मन करता था, विच इज वाई आई ऑल्सो स्टार्टेड रेफरिंग टू फ्री मॉक्स, फ्री रिसोर्सेज ऑनलाइन. अब इसमें मैंने SBI PO के, LIC के जो पेपर में DILR के क्वेश्चंस आते थे वो भी करने शुरू कर दिए. इवन दो दे वर नॉट एट द सेम लेवल एज द कैट एग्जाम, दे स्टिल हेल्प मी बिल्ड दैट लॉजिकल रीजनिंग एबिलिटी. इनफैक्ट जो नॉन कैट एग्जाम्स हैं उनमें जो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं ना, जैसे बाइनरी लॉजिक या फिर के ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन टेस्ट, मैं तो वो भी सॉल्व करती थी. क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग जरूरी नहीं है कि टफ क्वेश्चंस करने से ही डेवलप होती है, वो तो अगर आप सुडोकू भी सॉल्व करोगे तो भी आपके लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स तो डेवलप होते जाएंगे. तो माय पर्सनल रिकमेंडेशन वुड बी कि जिस भी दिन आप DILR करो, जैसे मैं अल्टरनेट डेज पे DILR करती थी, तो जिस भी दिन आप करो आप 5 से 7 सेट करो इस स्टेज पे. लेकिन अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो 3 से 5 सेट करो. जस्ट स्टार्ट एंजॉयिंग द प्रोसेस, एंड जब आप एनालिसिस देखोगे ना किसी भी क्वेश्चन का, यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि ऐसी क्या ट्रिक्स हैं जिसको यूज करके DILR में बेटर स्कोर किया जा सकता है. तो अब मैं आपको प्रिपरेशन के अलावा अटेम्प्ट स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करती हूँ. ये उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो कैट 2022 देने वाले हैं, एंड जिन लोगों ने एक मास्टर क्लास अटेंड कर रखी है उनको ये टेक्निक्स ऑलरेडी पता होंगी, और जिन्होंने नहीं अटेंड की है उनके लिए ये काफी फ्रेश इन्फॉर्मेशन होगी. तो जो DILR का एग्जाम है, जब मैंने उसके 5 साल के सेट्स को एनालाइज किया तो मुझे कुछ इस तरह का इन्फॉर्मेशन दिखाई दिया. अब इसमें जो आप कलर्स देख रहे हो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि वो सेट कितने डिफिकल्टी लेवल का था, और जिनके ऊपर भी एक बाउंड्री है ब्लैक कलर की, दैट रिप्रेजेंट्स कि वो DI का सेट है और बाकी LR के सेट है. अब इससे आपको एक चीज सीखने को मिलेगी कि हर पेपर में, इररिस्पेक्टिव वो कौन से ईयर और कौन से स्लॉट का पेपर था, हर एक सिंगल पेपर में कुछ सेट्स ऐसे आए थे जो या तो ऑरेंज थे या रेड थे, विच मीन्स जो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के थे या डिफिकल्ट लेवल के थे. ये ऐसे सेट्स हैं जो आइडियली आपको स्किप करने चाहिए इन एन एग्जाम. इनफैक्ट अगर आप हर पेपर के सामने जो परसेंटेज गिवन है वो देखोगे, दैट शोज द परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस दैट यू वुड हैव बीन एबल टू अटेम्प्ट विद ईज. आई एम नॉट इवन सेइंग कि ये वो क्वेश्चंस हैं जिनको करने से आपकी 99% आती. 99% के लिए तो DILR में 45% मार्क्स ही काफी होते हैं. लेकिन ये वो क्वेश्चंस हैं जो डूएबल थे, विच शुड टेल यू समथिंग. DILR इज नॉट अ सेक्शन जहां पर अटेम्प्ट रेट मैटर करता है. DILR इज अ सेक्शन जहां सेट सिलेक्शन मैटर करती है. यानी कि आपको ये पिक करना आना चाहिए कि आपको कौन से सेट स्किप करने हैं और कौन से सेट्स अटेम्प्ट करने हैं. अब वो हम कैसे डिसाइड करते हैं, उसके लिए मैं आपको कैट 2021 का एक सेट दिखाऊंगी. आई विल ट्राई हेल्पिंग यू अंडरस्टैंड कि मैं किन फैक्टर्स के बेसिस पे सेट्स को सिलेक्ट करती थी. अगर आप इस सेट को रीड करोगे तो आप देखोगे सबसे पहले एक टेबल गिवन है, देन उसके बाद एक पैराग्राफ गिवन. अगर आप इस सेट को रीड करने की कोशिश करोगे तो आपको 2-3 पॉइंट्स क्लियरली नजर आएंगे. जैसे कि सबसे पहली चीज जो मैं नोटिस करूंगी वो ये कि एक DI का सेट है, ये टेबल्स हैं, सो आई नो कि ये डेटा इंटरप्रिटेशन का सेट है. दैट इज व्हाट आई विल राइट डाउन. सेकंड थिंग आई विल नोटिस कि दिस इज एन अंडरस्टैंडेबल सेट, मुझे समझ में आ रहा है कि क्या कहा जा रहा है, स्टेटमेंट क्लियर है, अंडरस्टैंडेबल है. थर्ड थिंग आई नो इज दिस इज अ शॉर्ट सेट. ऐसा नहीं है कि आई हैव टू स्क्रॉल अ लॉट, इट्स सिंपल, बहुत ज्यादा कंस्ट्रेंट्स नहीं है. सो दिस इज अ वेरी शॉर्ट सेट. सो दीज आर द 3 पैरामीटर्स दैट आई एम गोना राइट. अब मैं आपको एक ऐसे सेट की एग्जांपल देती हूँ जो इसी स्लॉट में आया था लेकिन वो बहुत लेंदी था. सो फॉर एग्जांपल अगर आप इसको देखोगे तो सबसे पहले तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो पढ़ते ही मुझे समझ में आ रहा है कि ये लॉजिकल रीजनिंग का सेट है. लेकिन अगर मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊंगी तो मुझे दिख रहा है कि इसमें 9 कंस्ट्रेंट्स हैं, विच मीन्स कि ये काफी लेंदी है. इवन दो ये सेट अंडरस्टैंडेबल था मेरे लिए, आई स्टिल फेल्ट लाइक कि ये काफी लेंदी सेट है. सो दीज आर द पैरामीटर्स दैट आई एम गोना राइट. अब अगर इस पूरे पेपर का मैं एनालिसिस आपको शो करूं, इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस. तो मैंने चारों सेट्स का इन्फॉर्मेशन दिख लिया कि कौन सा DI का है, कौन सा LR का है, कौन सा अंडरस्टैंडेबल है, कौन सा नहीं है. सारे ही अंडरस्टैंडेबल थे, बट कुछ लेंदी थे, कुछ शॉर्ट थे, कुछ मीडियम थे, वो भी मैंने लिख लिया. अब मैंने एक सेट के आगे स्टार भी लगा रखा है क्योंकि वो फेमिलियर सेट था. वो ऐसा सेट था जो सेम सेट मैंने प्रैक्टिस के समय सॉल्व कर रखा था. तो उस सेट के सामने आप जरूर स्टार लगाना अपने पेपर पे, बिकॉज दैट इज अ सेट जो आपको सबसे पहले करना चाहिए
चाहिए, खास करके अगर वो छोटा भी है या इजी लग रहा है या अंडरस्टैंडेबल भी है। अब मैंने डीआई और एलआर क्यों नोट किया है, क्योंकि पर्सनली मेरी लॉजिकल रीजनिंग बेटर थी। हर पर्सन का खुद का एक कंफर्ट लेवल होता है, वो आपके लिए एक टाई ब्रेकर की तरह काम करेगा। जैसे कि यहां अगर आप देखो थर्ड और फोर्थ सेट में डीआई और एलआर ही सिर्फ डिफरेंट है, बाकी हर चीज सेम है। सो मेरे लिए वहां थर्ड सेट को करना इंपॉर्टेंस रखा बिकॉज मुझे एलआर अच्छी लगती थी। एक बार आपने ये सब चीजें नोट कर दी, उसके बाद आपको एक ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट बनाना है कि किस ऑर्डर में आप पेपर को अटेम्प्ट करोगे। जैसे कि ये मेरा अटेम्प्ट का ऑर्डर होता। अब अगर मैं आपको शो करूं कि एक्चुअल में इन सेट्स का क्या डिफिकल्टी लेवल था, तो यू वुड रियलाइज कि मेरा फर्स्ट टू सेट सिलेक्शन तो बिल्कुल ठीक होती। फर्स्ट सेट और सेकंड सेट मुझे करने चाहिए थे बिकॉज वो मॉडरेट और इजी लेवल के थे। लेकिन जब मैं थर्ड सेट अटेम्प्ट करने जाती बिकॉज ऑफ माई लव फॉर एलआर, आई वुड हैव मेड अ मिस्टेक बिकॉज वो डिफिकल्ट सेट है। तो अब एक पॉइंट जो आता है वो ये कि सेट सिलेक्शन का ऑर्डर तो हम बना लेंगे, लेकिन हाउ मच टाइम शुड वी स्पेंड ऑन ईच सेट सच दैट हम ऐसी मिस्टेक ना करें कि जब हम थर्ड वाले ऑप्शन पे हैं, थर्ड सेट अटेम्प्ट कर रहे हैं, तब हम कैसे उससे अपने आप को बाहर निकालें। बहुत लोग इस ईगो ट्रैप में फंस जाते हैं, वो एक डिफिकल्ट सेट के ऊपर ही टाइम बिताते चले जाते हैं, विच इज वाई ऑल देयर टाइम इज लॉस्ट। नाउ आई एम गोइंग टू रिकमेंड कि कितना टाइम आप स्पेंड करो ताकि आप इस चीज को सॉल्व कर पाओ। तो अगर हम लास्ट ईयर का ही पैटर्न देखें तो 40 मिनट्स थे 20 क्वेश्चंस को करने के लिए। लेकिन अगर मैं आपको वो एग्जांपल दूं कि सिर्फ 75% क्वेश्चंस ही डूएबल होते हैं, दैट मींस कि आपको 20 क्वेश्चंस भी नहीं करने हैं, आपको एक्चुअली में तो सिर्फ 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है अप्रॉक्सीमेटली। विच मींस कि अगर आपको चार सेट आ रहे हैं और आपको उन हर सेट के साथ तीन काम करने हैं, आपको उनको स्कैन करना है, आपको उनको अटेम्प्ट करना है और आपको उनको सॉल्व करना है, तो आप कितना टाइम दोगे। तो जो मैंने ये एक्सरसाइज की थी जहां मैंने डीआईएलआर अंडरस्टैंड शॉर्ट ये सब आइडेंटिफाई किया था, इसको बोलते हैं स्कैनिंग। पेपर शुरू होते ही सबसे पहले आपको 2 मिनट लगाने हैं इन चार सेट्स को स्कैन करने के लिए। तो मैं हर सेट के ऊपर सिर्फ 30 सेकंड स्पेंड करूंगी। मुझे इवन समझने की भी जरूरत नहीं है कि सेट का क्या मतलब है। आई जस्ट हैव टू राइट वेदर इट इज शॉर्ट और नॉट, वेदर इट इज डी आई और एल आर, और वेदर इट्स अंडरस्टैंडेबल और नॉट। बहुत सिंपल चीज करनी है 30 सेकंड में। उसके बाद मैं हर सेट को अटेम्प्ट करना शुरू करूंगी और अटेम्प्ट करने के लिए मैं अपने ऊपर 3 मिनट की टाइम लिमिट लगाऊंगी। इसका मतलब ये कि मैं 3 मिनट स्पेंड करके देखूंगी कि क्या ये सेट इवन डूएबल लग रहा है या नहीं। अगर ये सेट डूएबल लग रहा है, आई विल गो अहेड एंड अटेम्प्ट इट। अगर मुझे लग रहा है कि मैं इसके सोल्यूशन तक पहुंच ही नहीं पा रही हूँ, आई विल स्किप। तो ये एग्जैक्टली वो चीज़ हुई होती जब मैंने वो थर्ड सेट अटेम्प्ट किया होता और मुझे रियलाइज होता कि ये मुझसे नहीं हो रहा है, देन आई वुड हैव मूव टू द फोर्थ सेट। और सॉल्व करने के लिए आपके पास 8 मिनट का टाइम है, तो अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करोगे तो 38 मिनट्स कंज्यूम होंगे, स्टिल 2 मिनट बढ़ जाएंगे। आप चाहो तो इन नंबर्स को चेंज भी कर सकते हो अपने हिसाब से, बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आपके पास एक लिमिट होनी चाहिए कि मैं अटेम्प्ट करने के लिए इतना टाइम दूंगा या दूंगी, और अगर नहीं होगा आई विल मूव टू द नेक्स्ट सेट। ये चीज आपकी अटेम्प्ट स्ट्रेटजी को काफी हद तक इंप्रूव कर देगी। अब मैं आपको ऐसी 3 ट्रिक्स बताने वाली हूँ जो मैंने ऑब्जर्व की थी अपने प्रिपरेशन के समय, जिन्होंने मुझे DILR में काफी हेल्प किया है। फर्स्ट ट्रिक इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। बहुत बार DILR सेट्स में ऐसा होगा कि आपको कुछ नेम्स गिवन होंगे और वो इतने लेंथी नेम्स होते हैं कि अगर आप उनको डायरेक्टली पेपर पे लिखने लगोगे तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो उसको यूज करने के लिए आपका एक नॉमेनक्लेचर होना चाहिए, आपके पास दिमाग में कुछ सिंबल्स होने चाहिए जिनको आप यूज कर सको। सो फॉर एग्जाम्पल नेम्स के लिए मैं जनरली क्या करती थी, जैसे कि ये सेट गिवन है, पर ABCD भी यूज नहीं किया जा सकता बिकॉज 2 बार नाम गिवन है। तो दैट इज वाई मैं फर्स्ट 2-3 अल्फाबेट्स या फिर के मिक्सचर ऑफ अल्फाबेट्स यूज करती थी सच दैट मुझे वो चीज समझ में आ जाए। सिमिलरली मैं फीमेल्स को सर्कल्स के साथ और मेल्स को स्क्वायर्स के साथ डिनोट करती थी। नाउ दिस डजंट हैज टू बी सेम फॉर यू, इट डजंट मैटर अगर आपका नॉमेनक्लेचर मेरे से डिफर करता है। द ओनली थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट इज यू हैव टू कीप इट कंसिस्टेंट, यू हैव टू मेक श्योर कि आप सेम ही चीज को प्रैक्टिस के समय और सेम ही चीज को फाइनल एग्जाम के समय यूज करो ताकि आपका टाइम सेव हो। सेकंड इज डायग्राम्स। तो DILR में ना थ्योरी में बहुत ज्यादा ट्रिक्स एज सच मेंशन नहीं होती, वो ट्रिक्स आपको ऑब्जर्व करनी पड़ती हैं, आपको सीखनी पड़ती हैं खुद से। तो जैसे मैं अपना एग्जांपल देती हूं, DILR में एक टाइप होती है सर्कुलर अरेंजमेंट। जब मैं उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, आई रियलाइज्ड कि जब भी ऐसा स्टेटमेंट आता था ना कि 8 पीपल नीड टू बी सीटेड अक्रॉस अ सर्कल, वो हमेशा ऐसी लाइंस यूज करते थे उसको ड्रॉ करने के लिए। इनफैक्ट ऐसा एक रूल भी है कि आप अगर 4 लोगों को बिठाना चाहते हो तो 2 लाइंस ड्रॉ
ड्रॉ करो, अगर 6 को बिठाना चाहते हो तो 3, अगर 8 को बिठाना चाहते हो तो 4. नाउ आई ऑलवेज वंडर्ड कि ये लाइंस क्यों यूज हो रही हैं, आप सिंपली क्यों नहीं बना सकते डॉट्स. तो मैंने एक बार एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश की जहां लिखा हुआ था 8 पीपल आर सीटेड अराउंड अ सर्कुलर टेबल एंड ए सिट्स एग्जैक्टली ऑपोजिट टू बी. तो उसमें बाय मिस्टेक रादर देन ड्रॉइंग दिस डायग्राम आई एंडेड अप ड्रॉइंग दिस डायग्राम. तो जब ए को बी के ऑपोजिट बिठाना था तब आई एंडेड अप मेकिंग दिस मिस्टेक. Then I realized why they draw these lines. These are the kind of tricks or the hacks to draw the right diagram जो आपको सीख लेने चाहिए because they help you understand कि आप कहाँ पे mistake करने वाले हो. I wish कि मेरे पास कोई ऐसी repository होती जिनमें मैंने ऐसी tricks note कर रखी होती, मेरे पास नहीं है. लेकिन अगर आप अपने solutions check करोगे हर set के तो ये चीज़ें आप observe करने शुरू कर जाओगे. Just diagrams पे थोड़ा emphasis दो, try noticing कि जो diagram आपने अपने solution में बनाया था does it match with the solution that's been given behind in the book. Then you'll be able to crack the code कि आप कहाँ गलती कर रहे हो. Third and the final one is constraints. तो ये मेरा फेवरेट पॉइंट है. बेसिकली DILR में आपको जो स्टेटमेंट्स गिवन होती है ना वो ट्रिकी होती हैं. आप ये सोचो कि जो पेपर सेट कर रहा है उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बिताएगा विदाउट मेकिंग यूज ऑफ इट. चांसेस ये हैं कि अगर आपको एक लाइन गिवन है तो उसका कोई ना कोई यूज तो होगा. अब उसका आपको क्या करना है, आपको हर चीज को बहुत केयरफुली रीड करना है. जैसे कि एक एग्जाम्पल देती हूँ. एक क्वेश्चन आया था एक बार DILR में जहां उसने कहा था कि एक प्लेन को इमेजिन करो. उसने सब कुछ बता रखा कि ऐसे सीट्स हैं, विंडो सीट्स ये हैं, आइल सीट्स ये हैं, सब कुछ गिवन था. तो एक ऐसा डायग्राम आपके सामने बन जाता. फिर एक लाइन गिवन थी जहां कहा गया था कि सीट्स विद कंसेक्यूटिव लेटर्स आर कॉल्ड एज कंसेक्यूटिव सीट्स. अब कोई चाहता ना तो इस लाइन को बहुत जल्दी ब्रश ओवर कर सकता था. फॉर एग्जाम्पल सीट ए और बी कंसेक्यूटिव सीट्स हैं ही ना, बिकॉज हमें पता है कि प्लेन में इनको कंसेक्यूटिव सीट्स ही बोलते हैं, इसमें बताने वाली बात क्या है. लेकिन अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखो तो सीट सी और सीट डी वैसे कंसेक्यूटिव सीट्स नहीं होती जब आप प्लेन को इमेजिन करते हो. प्लेन में बीच में पैसेज होता है. तो अगर आप सी सीट पे बैठे हो और कोई और डी सीट पे बैठा है, आप ये थोड़ी कहोगे कि हम कंसेक्यूटिव सीट्स पे बैठे हैं. लेकिन इस स्टेटमेंट के कारण सीट सी और डी कंसेक्यूटिव बन जाता है. ये एग्जैक्ट चीज का यूज किया गया था उस पेपर में जहां एक क्वेश्चन इस कंस्ट्रेंट को डिकोड किए बिना सॉल्व नहीं हो सकता. तो अगर आपको कभी भी ऐसी कोई भी स्टेटमेंट आती है जो आपको लगता है इसका क्या फायदा, ब्रश ओवर, कभी कभी वो स्टेटमेंट एक्चुअली इतना बड़ा रिजल्ट डाल देती है कि उसके बिना आप प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते. सो मेक श्योर कि जब भी आप DILR में किसी भी स्टेटमेंट को पढ़ते हो तो सोचो, पढ़ते समय ही सोचो कि ये लाइन इसने क्यों बताई है, उसका कोई तो रीजन होगा. जस्ट ट्राई अंडरस्टैंडिंग व्हाई इट्स बीन मेंशन एंड देन यू विल बी एबल टू क्रैक इट बेटर. सो दिस इज ऑल आई वांटेड टू शेयर अबाउट DILR. आई होप इससे आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल गई हो. इनकेस स्टिल कुछ क्वेश्चन रह गया है तो आप कॉमेंट्स में पूछ सकते हो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस.